सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर। दोस्तों, मीडिया की तरफ से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि जुलाई के एंड में जो है Xiaomi की तरफ से न्यू लैपटॉप रेंज जो है इंडिया में लॉन्च की जा सकती है। एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंड्स, जिन दो लैपटॉप का नाम सामने आ रहा है उसमें से एक लैपटॉप है आपका मी लैपटॉप प्रो 14, और जो दूसरा लैपटॉप आप लोगों को दोस्तों देखने को मिल जाता है वो आता है मी लैपटॉप प्रो 15। नाउ इन्हीं दो लैपटॉप का जो है आप लोगों को हर जगह जो है जिक्र मिलेगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो है यहाँ पे एक और लैपटॉप आप लोगों के लिए ऐड करता हूँ, वो है दोस्तों मी लैपटॉप 14, जिसके अंदर आप लोगों को इंटेल का 11th जनरेशन प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को बजट सेगमेंट वाले जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए देखने को मिलता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे मी लैपटॉप प्रो 14 की, तो किसी भी एंगल से जो है आप लोगों को यहाँ पे ये बजट वाला लैपटॉप देखने को नहीं मिलेगा। जहां तक मैं बात करूं दोस्तों इसके स्टार्टिंग प्राइस की, तो इसकी स्टार्टिंग प्राइसिंग जो है इंडिया में आप लोगों को कहीं ना कहीं जो है 75,000 से 80,000 रुपीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्पेसिफिकेशंस की, तो मैं उससे पहले आप लोगों को एक चीज बता देता हूं फ्रेंड्स कि यहां पे आप लोगों को है MX450 वाला जो एनवीडिया की तरफ से ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है, और प्रोसेसर की बात करूं तो दोस्तों यहां पे आप लोगों को 35 वॉट के एच सीरीज वाले जो है इंटेल के प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप उसको i5 ले लीजिए, चाहे आप हायर एंड कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो है i7 देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों स्पेक हंग्री पीपल के हिसाब से, तो जरूर आप लोगों को जो है यहाँ पे उतना कुछ हाई एंड सीपीयू और जीपीयू देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम ओवरऑल पैकेज को देखें तो यहाँ पे पैकेज जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। सबसे पहली बात आती है दोस्तों यहाँ पे रैम की, तो रैम जो है यहाँ पे आप लोगों को स्टैंडर्ड अक्रॉस द बोर्ड 16GB देखने को मिल रही है, जो कि मुझे लगता है कि हर एक कंपनी को यहाँ पे करना चाहिए। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे स्क्रीन की बात करूं, तो प्रो 14 में आपको जो है यहाँ पे LCD पैनल देखने को मिलता है, जो कि 2.5 के रेजोल्यूशन के साथ में आता है, और रिफ्रेश रेट जो है यहाँ पे आप लोगों को 120 हर्ट्ज का देखने को मिलता है, और पैनल की जो ब्राइटनेस रहेगी दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 600 निट्स देखने को मिल जाएगी, और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दोस्तों यहाँ पे एकदम टॉप नॉच आप लोगों को जो है मैं कहूंगा मैकबुक जो प्रो आती है उस लेवल की देखने को मिल जाएगी। मेरे इस वीडियो तक यहाँ तक पहुंच चुके हैं, तो मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कुछ बजट लैपटॉप्स की लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप वहां पे जाके उन्हें जरूर चेकआउट करें। ओवरऑल Xiaomi की तरफ से फ्रेंड्स मैं कहूंगा कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में यहाँ पे कोई कमी नहीं रखी गई है। नाउ इस लैपटॉप के आने से जो है एक नया ही सेगमेंट का जो है दोस्तों मैं कहूंगा कि कॉम्पिटिशन एक क्रिएट हो जाएगा, अभी भी उस पे कॉम्पिटिशन चल रहा है, जैसे कि Asus ZenBook 13 या फिर 14 आप लोग ले लीजिए, वहां पे आप लोगों को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है दोस्तों टॉप नॉच देखने को मिलती है व्हेन इट कम्स टू विंडोज लैपटॉप। लेकिन फ्रेंड्स ये वाले जो लैपटॉप है एकदम नेक्स्ट लेवल के जो है आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आप लोगों को टाइप सी चार्जिंग भी जो है सपोर्टेड में देखने को मिल जाएगी। फिर मैं बात करूं अगर यहाँ पे मी लैपटॉप प्रो 15 की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मी लैपटॉप प्रो 14 जैसा ही आप लोगों को जो है मींस स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फर्क सिर्फ आता है दोस्तों यहाँ पे कुछ बेस स्पेसिफिकेशन चेंज किए हैं, जैसे कि 15 इंच वाली जो है आप लोगों को डायगोनल स्क्रीन साइज मिलेगी, और जो पैनल यहाँ पे यूज किया गया है फ्रेंड्स समवेयर अराउंड जो है आप लोगों को OLED देखने को मिलता है, जो कि एक हाई क्वालिटी पैनल है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो एकदम मींस आप लोगों को 10:1 देखने को मिलेगा, जो कि OLED जो अच्छे पैनल होते हैं यूजुअली आपको वो जो है वहां पे उतना ही देखने को मिलता है, और जो पैनल की ब्राइटनेस करूं तो 600 निट्स की पैनल ब्राइटनेस जो है आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं प्रोसेसर की बात करूं, तो यहां पे वही आप लोगों को इंटेल के 11th जनरेशन के एच सीरीज वाले 35 वॉट वाले प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे, और अगर मैं ग्राफिक कार्ड की बात करूं दोस्तों हियर इज वेयर थिंग्स गेट लिटिल बिट इंटरेस्टिंग, RTX 3050 Ti वाला जो है ग्राफिक कार्ड आप लोगों को यहां पे देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छी चीज यहां पर निकल कर आती है। अगर मैं इसकी प्राइस पॉइंट की बात करूं, तो दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो बेस कॉन्फ़िगरेशन रहेगी अगर i5 के साथ में आता है ये वाला लैपटॉप, तो आप लोगों को जो है इसकी बेस कॉन्फ़िगरेशन समवेयर अराउंड जो है 97 to 1 lakh रुपीस तक देखने को यहां पर मिल जाएगी। तो जैसे कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं i5 वाली भी कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को यहां पे देखने को मिल रही है। नाउ ये जो प्राइसिंग है दोस्तों चाइनीज प्राइसिंग है, तो थोड़ा बहुत आप जो है इसके ऊपर एक्स्ट्रा मैं कहूंगा अराउंड 10 to 20% जो है यहां पे मार्जिन आराम से ऐड कर सकते हैं। तो मोस्ट वेलकमिंग चेंज है दोस्तों यहां पे Xiaomi की तरफ से। देखिए क्या होता है कि लैपटॉप के केस में उतना कंपटीशन आज भी नहीं है दोस्तों जितना कि मोबाइल के केस में है। मोबाइल के केस में कंपटीशन काफी ज्यादा एग्रेसिव है, और जिसका जो अल्टीमेट बेनिफिट मिलता है वो कंज्यूमर को ही देखने को मिलता है, लेकिन लैपटॉप के केस में अब जो है दोस्तों ये कंपटीशन थोड़ा गर्म होने वाला है, क्योंकि इस लेवल की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी दोस्तों काफी मींस मैं कहूंगा एप्पल को छोड़ के बाकी और कोई दूसरा लैपटॉप जो है यहाँ पे दे नहीं रहा है इस प्राइस पॉइंट पे। डेफिनेटली XPS 13 का भी आप लोगों को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी अच्छा देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इस लेवल की रिफाइनमेंट और इस लेवल की जो है चैसिस आप लोगों को देना
कोई कंपनी जो है यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे नहीं कर रही होगी। सो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर जुलाई एंड एंड लेट्स होप कि मी लैपटॉप 14 भी जो है फॉर बजट सेगमेंट ऑफ पीपल उनके लिए भी लॉन्च हो। बाकी अगर मैं बात करूं इस लैपटॉप की प्राइसिंग की, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया लगभग 72-77,000 रुपीज का जो है आप लोग गैप आराम से मान के चलिए फॉर दी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। आपका क्या मानना है दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में है जो है जरूर लिखकर बताइए।